सो हेलो फ्रेंड्स, एक और कॉलेज का रिव्यू आ चुका है और इस कॉलेज का नाम है जैन कॉलेज कोलकाता। कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि जैन कॉलेज पे भी बनाने जो भी इसमें बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हर एक बात डिस्कस करते हैं इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। उससे पहले आप देख लीजिए, इसका पूरा नाम है तारा देवी हरा चंद्र कनकरिया जैन कॉलेज, ठीक है। और इसका एड्रेस आपका है कोसीपुर में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल 7 लैक 2, ठीक है। राम गोपाल घोष रोड कोसीपुर, ठीक है। इसका फोन नंबर ये है और इसका वेबसाइट ये thkjaincollege.ac.in, ठीक है। तो इस वेबसाइट में जाके मैं हर एक चीज इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लोकेशन के बाद मैं बताता हूँ कोर्स ऑफर क्या क्या कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप बीए बीएससी बीकॉम बीबीए ऑनर्स जनरल सब कर सकते हो, लेकिन फिर से डिटेल्स में जाना हो तो 3 ईयर बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, 3 ईयर बीकॉम जनरल भी कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ तो 3 ईयर्स बीबीए ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है। बीए बीएससी में जाओ तो आप 3 ईयर बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, जूलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड बोटैनिक कर सकते हो। और बीए में आप अगर बीए करना चाहते हो तो इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और हिंदी में ही बीए कर सकते हो। और जनरल सब्जेक्ट के बारे में देखा जाए तो केमिस्ट्री, बोटैनिक, फिजिक्स, मैथ्स, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बंगाली, फिल्म स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिंदी, जूलॉजी, फूड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब में आप जनरल कर सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफर क्या है, कॉम्बिनेशन अगर बीएससी अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में कर रहे हो तो बोटानी या केमिस्ट्री आपको लेना पड़ेगा जनरल में, बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो तो फिजिक्स मैथ्स इसका आपका कॉम्बिनेशन है, बीएससी ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स लो और हिंदी बंगाली हिस्ट्री पॉल साइंस को एक, जूलॉजी कर रहे हो तो बोटानी केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, बोटानी कर रहे हो तो जूलॉजी केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, फूड एंड न्यूट्रिशन कर रहे हो तो जूलॉजी और केमिस्ट्री तो लेना ही पड़ेगा, और जूलॉजी एंड केमिस्ट्री लो या फिर केमिस्ट्री एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। बीए इंग्लिश कर रहे हो तो हिस्ट्री पॉल साइंस जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन हिंदी और बंगाली में से कोई एक, ठीक है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ले रहे हो तो फिल्म स्टडी एंड इंग्लिश हिंदी बंगाली में से कोई एक, बीए हिंदी कर रहे हो तो पॉल साइंस इंग्लिश जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोई भी में से दो लेना होगा, बीए जनरल कर रहे हो तो हिस्ट्री पॉल साइंस हिंदी में से कोई एक या फिर बंगाली इंग्लिश में से कोई एक और ऑल ओवर में कोई भी 3, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जनरल, ठीक है। कंपलसरी कोर्सेज क्या है, कम्युनिकेबल इंग्लिश है, हिंदी बंगाली तीनों से कोई एक कंपलसरी है और एक बी एस और ई वी एस है कंपलसरी, ठीक है। उससे पहले आप कॉलेज का डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा मोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है। ये सब तो कॉमन आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। रेगुलेशन एंड पंक्चुअल अटेंडेंस इज कंपलसरी, अटेंडेंस इज कंपलसरी एज पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लोग बोलता है कि 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए, 60% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको सेमेस्टर एग्जाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है ये चीज। और कॉलेज का आवर्स क्या है, मॉर्निंग सेक्शन है, ये कोविड कॉलेज है, ठीक है। 6:30 बजे स्टार्ट होता है बीकॉम ऑनर्स जनरली होता है उससे पहले, और डे सेक्शन में 11 बजे से स्टार्ट होता है, वहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम होता है और बीबीए ऑनर्स भी होता है, ठीक है, सबको ये भी पता चल गया। लाइब्रेरी में भी लाइब्रेरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे कॉलेज के, ठीक है। वो सब कॉलेज का आपको लोकेशन पता चल गया, कोर्स पता चल गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता चल गया आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आप फीस स्ट्रक्चर पे, फीस स्ट्रक्चर ये सारे फीस ना आपका 1 ईयर के, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में आपको लगभग 33,000 एक साल में, माइक्रोबायोलॉजी में 39, बोटानी में 33, कंप्यूटर साइंस में 26, ज्योग्राफी में 26,000, फूड न्यूट्रिशन 39, जूलॉजी में 39, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन 54, इंग्लिश में 27, बीबीएम करोगे 39,000, 16,200 समथिंग बीए जनरल के लिए, ठीक है। इफ अप्लाइड विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन फीस एंड मिसलेनियस विल फॉरगिव एंड ऑल अदर फीस विल बी रिफंडेड, 7 दिन के अंदर अगर आपका एडमिशन आज हुआ उससे 7 दिन के अंदर अगर आप रिफंड आप नहीं एडमिशन चाहते हो तो आपको रिफंड हो जाएगा, लेकिन एडमिशन फीस और मिसलेनियस फीस आपको रिफंड नहीं होगा, बाकी सारा पैसा रिफंड हो जाएगा 7 दिन के बाद कुछ नहीं। तो आपको फीस स्ट्रक्चर पता चल गया, आपको कोर्स पता चल गया, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता चल गया, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी थे पता चल गया, एडमिशन प्रोसेस सबका सेम होता है, इसका भी सेम होगा, तो देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। वही बात है, फॉर्म कब निकलेगा, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कब निकलेगा, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट जब निकलेगा 2021 का तभी होगा, ठीक है। अगर आप यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो यहाँ पे कॉल बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। ये सारे कोर्सेज में आपका एडमिशन ओपन होने वाला है, कॉम्बिनेशन आपको पता चल ही गया है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑनलाइन एंड एप्लीकेशन फीस शुड बी पेड डायरेक्टली टू यू,
आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे, मतलब कि ऑनलाइन आपको पेमेंट भी करना है, अभी फॉर्म में पेमेंट हो जाता है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है, प्रिंट लेना है, ठीक है। देर इज नो नीड टू सबमिट इट पॉलिसी कॉलेज फिजिकली, फिजिकली सबमिट आपको कॉलेज नहीं करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करके रखना फर्दर के लिए, ठीक है, और पेमेंट रिसीव भी आपको प्रिंट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेबसाइट में मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसको आपको फॉलो करना है आपको। उसके बाद आपको आइदर कंपार्टमेंट ऑफ फॉर रिजेंट क्लास में नॉट एलिजिबल फॉर्मर, अगर आप 12 में अगर फेल हो कोई भी सब्जेक्ट में या फेल हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आप एडमिशन आपको शेड्यूल मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर एडमिशन कर सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया मिनिमम क्या है, मिनिमम आपको बीसीआर कर रहे हो, ठीक है, 10+2 में पास होना पड़ेगा, ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 50%, 50% टोटल लाना पड़ेगा और 45% आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और SC ST हो तो 40% टोटल लाना पड़ेगा, 40% रिलेटेड सब्जेक्ट में भी लाना पड़ेगा, ठीक। और कोई भी कैंडिडेट जो भी इस साल अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 5 साल के अंदर ही आपका एडमिशन लेना पड़ेगा, 5 साल ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए एडुकेशन में, वही बोला जाएगा, 5 साल ज्यादा गैप होगा, कोई बच्चा 5 साल से ज्यादा गैप होने के बाद आ रहा है एडमिशन लेने, उसका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन प्रोसेस वही है, मेरिट के बेसिस में होगा, एप्लीकेशन मेरिट निकलेगा, उसके बाद आपको एडमिशन के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने, इतना सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसके लेके आने, उसके बाद फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। कोर्स का टाइमिंग आपको पता चल गया है, मॉर्निंग शिफ्ट 6:30 से और डे शिफ्ट 11:15 से, ठीक। स्ट्रक्चर फीस स्ट्रक्चर पता चल गया आपको, एलिजिबिलिटी आई थिंक हर एक चीज प्रोसेस आपको पता चल गया है, लोकेशन कोर्स ऑफर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया, एडमिशन प्रोसेस एलिजिबिलिटी फीस स्ट्रक्चर एवरीथिंग पता चल गया। और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, और कोई अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, तो हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। और कोई और कॉलेज का वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मुझे फिर कमेंट में बताइए। सो थैंक यू सो मच।